हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप पढ़ते हैं बिहार के सरकारी स्कूल में और आपकी कक्षा है पहली से लेकर के आठवीं तक, तो आप लोग की परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पहले अर्धवार्षिक परीक्षा का जो डेट आया था वो आया था 19 सितंबर, लेकिन अब इस परीक्षा तिथि को जो है विभिन्न त्यौहार को देखते हुए इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे वो भी डेट कौन सा है और किस तिथि को कौन सा सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। साथ ही आप लोग को परीक्षा से पहले ओरिजिनल पेपर आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप लोग को आपको परीक्षा से पहले सारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्या नया शेड्यूल आया। तो देख सकते हैं ये यहाँ पे बिहार राज्य शिक्षा परियोजना के द्वारा लिखा निकाला गया लेटर है, यही आप लोग के एग्जामिनेशन कराने के लिए भागीदार होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विषय में दिया हुआ राज्य के सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त आप प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के छात्र छात्राओं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022 के आयोजन हेतु संशोधित कार्यक्रम के संबंध में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का जो नया संशोधित कार्यक्रम है इस तरह से आया है। तिथि आपका है 12/10/2022, यानी बुधवार के दिन से पहला दिन है सामाजिक विज्ञान, यानी क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनका फर्स्ट सिटिंग में होगा, और सेकेंड सिटिंग में सिर्फ कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले विज्ञान वाले बच्चे होंगे, ठीक है। 13 तारीख जो गुरुवार है उस दिन हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी होगा, जो कि कक्षा 3 से लेकर के 8 तक होंगे, यानी जो उर्दू का परीक्षा देते हैं वही बच्चे रहेंगे। उसके बाद यहाँ इसके सेकेंड सिटिंग में संस्कृत का होगा जो कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक होगा। बात करें 14 तारीख को तो यहाँ सह शैक्षिक गतिविधि का अवलोकन होगा। यहाँ पे मकतब उर्दू विद्यालय सबको छोड़ करके बाकी आप लोग का अगर हिंदी विद्यालय है तो। उसके बाद 15 तारीख शनिवार के दिन आपको फर्स्ट सिटिंग में है हिंदी या उर्दू कक्षा 1 से 5 के लिए, और वहीं सेकेंड सिटिंग की बात किया जाए तो हिंदी या उर्दू है कक्षा 6 से 8 के लिए। रविवार के दिन स्कूल बंद रहता है, और अगर आपका उर्दू विद्यालय तो सह शैक्षिक गतिविधियों यहाँ पे होगा आप लोग का। उसके बाद 17 तारीख की बात किया जाए तो फर्स्ट सिटिंग में आप लोग को अंग्रेजी की परीक्षा होगी जो कि कक्षा 1 से 5 में पढ़ने वाले होंगे, और सेकेंड सिटिंग में कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनका होगा यहाँ पर परीक्षा। और अगर बात करें हम लोग 18 तारीख को तो उस दिन आपको फर्स्ट सिटिंग में गणित जो 1 से 5 तक वाले हैं, और सेकंड सिटिंग में गणित की ही परीक्षा होगी जो कि कक्षा 6 से 8 तक के पढ़ने वाले बच्चे हैं। और आप लोग का जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप लोग का रिजल्ट यहाँ पहले कॉपी जाँच हो जाएगा आपका 22 तारीख तक, और उसके बाद फिर आपका 22 तारीख के बाद यानी कि 23-24 तारीख तक आप लोग को रिजल्ट बता दिया जाएगा। तो हम लोग समझते हैं कि आपका यह सारा रूटीन आप लोगों ने लिख लिया होगा। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि यहीं से आपको सारा क्वेश्चन आंसर आसानी से मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।